कफूर हैदरी साहब फिर इस वक्त सेनेट में ऐसी तकरीर क्यों कर रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, जिस तरीके से ये अमेंडमेंट्स लेकर आई जा रही हैं? आप लोग क्या किसी पैरेलल उसमें डायमेंशंस में रहते हैं? आप समझते हैं कंसेंसस हो गया है? JUIF के कॉल और फेल से नजर आ रहा है कंसेंसस नहीं हुआ, लेकिन आप समझ रहे कंसेंसस हुआ है? उनकी तकरीर कुछ और कह रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, मौलाना साहब की कल रात की स्पीच कुछ और कह रही थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे? देखिए, कंसेंसस तो ओवरऑल रीच हुआ है, और इवन सो मच सो कि पीटीआई के लोग, अब आपने देखा कि पहले एक स्टेटमेंट पीटीआई के चेयरमैन साहब की आई, उन्होंने कहा कि कंसेंसस ठीक है, रीच हो गया है और बिल्कुल वो मसौदा हमें दिखाया गया। देन जो उनके मेंबर कमेटी में थे, उन्होंने कहा बिल्कुल कंसेंसस रीच नहीं हुआ, हमें रिजर्वेशन थे एक दो पॉइंट पे। अब उनके पार्टी के मेंबर कह रहे हैं कि नहीं, हमें जो है फाइनल अप्रूवल जो है कहीं और से लेनी है। तो यहाँ पे तो पीटीआई के अगर हाथ तक बात करें तो उनके अपने कॉल और फेल में बड़ा मलिक साहब, वो मेरी बात हुई अभी सलमान अकरम राजा साहब आपसे पहले मेरे प्रोग्राम में थे, मैंने उनसे यही सवाल पूछा, भाई आपने कैसे अनाउंस कर दिया? उन्होंने कहा कि जो मुसविदा उन्हें दिखाया गया था उसमें भारत की तर्ज के ऊपर आईनी कोर्ट के कयाम की बात थी, यानी कि जो सीनियर जजेस हैं उनका तश्कील हो जाता है बेंच। आपका जो मुसविदा आप सामने आ रहा है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें हकूमत बनाएगी वो बेंच, और ये सब कुछ मामला तो गवर्नमेंट के देने को दे दिया आपने, तो उसमें फर्क है। उस मुसविदा दिखाया गया वो मुख्तलिफ था, जो आज पेश किया गया वो मुख्तलिफ है। देखिए, एक जो चीज जरूरी है वो हमारी एंड से ये थी, और हमने उसमें कमेटी में भी ये बातें डिस्कस हुई, एंड टाइम एंड अगेन हमने रीइटरेट किया कि तमाम तर सूबों की रिप्रेजेंटेशन उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में या कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन में होनी चाहिए, क्योंकि चारों सूबों को मिला के ऑब्वियसली आप उनकी रिप्रेजेंटेशन वहां पर रिफ्लेक्ट करेंगे। और उसके साथ जो दूसरी बात है, जहां पे वो कहते हैं कि भारत के तर्ज का बनना चाहिए, तो ऑब्वियसली हमने तो उस टाइम भी ये कहा कि पार्लियामानी कमेटी का जो रोल है उसको और ज्यादा मौसर और इफेक्टिव करना है, और हमारी जो एक मीनिंगफुल और पर्पजफुल इनपुट है, वेदर दैट रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस या बीगर, क्योंकि ये भी एक अपॉइंटमेंट के हवाले से ही इसको फाइनल से भी देखा जाएगा, तो हमें बिल्कुल अपनी एक मीनिंगफुल इनपुट रखनी है और उसमें एज ए रबर स्टैंप इस्तेमाल नहीं होना। नहीं तो कहीं आपकी क्या ये आप लोगों की कहीं ये डिस्कशन हुई कि क्या भारत के तर्ज के ऊपर जो आईनी बेंच का कयाम है, मतलब जिस तरह वो जजेस की तकरीरी होती है, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है? क्योंकि JUIF और पीटीआई को ये इंप्रेशन था कि इसके ऊपर वो अग्री कर रहे हैं, आज मुसविदा बिल्कुल इसके मुख्तलिफ है। नहीं, कतन ऐसी बात नहीं है, और मुसविदा बिल्कुल कमेटी में मौजूद था। टाइम एंड अगेन जो जो चीजें, जो जो इनकी तरफ से सजेशंस भी आई, रिकमेंडेशंस भी आई, वो तमाम तर चीजें दी गई, और मुसविदा ये तो नहीं था कि कमेटी में किसी ने देखा नहीं, वहां पे कमेटी में डेफिनेटली मुसविदा देखा गया, और कमेटी में मुसविदा जो था वो ओपन था, इवन दो कि वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स थी, लेकिन स्टिल डिस्पाइट द फैक्ट इट वॉज देयर बिफोर दैम। और ये नहीं कहा जा सकता कि ये वो मुसविदा नहीं है जो हमें नहीं दिखाया गया, बिकॉज ऑब्वियसली वही मुसविदा है जो कमेटी ने अप्रूव किया है। अच्छा, अब ये बताइए कि अब एक तो ये मुसविदा है जिसके हम मुदाजात पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरीकेकार के ऊपर भी जरा गुफ्तगू कर लें। मौलाना फजल रहमान साहब कल नाराज थे, उनके सेनेटर से उनका राबता नहीं है। मेंगल साहब इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से लॉजिस के अंदर जो है उनको हरासा किया जा रहा है। ANP ऑन रिकॉर्ड है, कामरान मुर्तजा साहब ऑन रिकॉर्ड, ये वो मैंने तहरीक इंसाफ का तो है ही, वो तो बार बार बात करते हैं, ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आपके बड़े माजी करीब में एलाइज थे, वो शिकायत कर रहे हैं कि यू आर नॉट प्लेइंग फेयर एंड स्क्वेयर। नहीं देखिए, वी आर प्लेइंग फेयर एंड स्क्वेयर, और कथन मेरी नॉलेज में तो ऐसी कोई बात नहीं है किसी को हिरासा किया गया हो या किसी को फोर्स किया गया हो या किसी को कोएर्स किया गया हो कि आपने इस तरफ वोट देना या इस तरफ नहीं देना। ऑफकोर्स एज गवर्नमेंट इट इज आवर पैरामाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सबकी सेफ्टी और स्पेशली ऑनरेबल मेंबर्स की और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करें अलॉन्ग विद अदर सिटीजन एज वेल। सो ये कथन एक बड़ा गलत तासुर है। सर, आपकी गवर्नमेंट में से कोई मेंगल साहब को फोन करके पूछ ले कि वो ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? वो तो आपके आपसे आपके एलाइज रह चुके ना, आप लोगों ने रब्ता किया, वो मुसलसल कह रहे हैं कि मैं वापस आ रहा हूँ, मेरे मेंबर्स अंडर प्रेशर है, आप कह रहे हैं ऐसी कोई बात ही नहीं है? देखिए, उनके सारे मेंबर्स मौजूद हैं और मेरे नहीं ख्याल कि उनका कोई भी मेंबर जो है वो मिसिंग है। सेनेट के अंदर कल उनकी जो मेंबर थी वो ऑलमोस्ट रो पड़ी, अगर आपने नहीं देखा तो मैं भेज दूंगी वीडियो आपको। ये लाइलमी को कोई इसका जवाब तो नहीं कि मुझे नहीं मालूम, ये पूरे पाकिस्तान की बात कर रही है या सर मैं BNP की बात कर रही हूँ मैं जी। BNP की देखें, कभी उनकी एक अपनी स्टेटमेंट है, ऑफकोर्स मैं उस स्टेटमेंट की जो वेरासिटी है उसको तो नहीं बता सकता कि उसमें कितनी सदाकत है या कितना है, क्योंकि
एक वो मैंने वीडियो जरूर देखी कि जिसमें उन्होंने कहा कि शायद प्रेशर है, फिर उन्होंने कहा नहीं है और मैं खुद कर रही हूँ। मौलाना साहब की बात मान लें, क्योंकि आजकल उनसे आप बातचीत कर रहे हैं ना, उनकी तो उनके आप करीब भी हैं, वो कल नाराज हो गए, उन्होंने कहा बदमाशी करेंगे तो हम बदमाशी करेंगे। मतलब जब कंसेंसस बनाने की बात हो रही है तो उस नहज पे मौलाना साहब को आप लोग लेकर आ गए, वो कह रहे हैं मेरा एक सेनेटर मुझसे, मेरी उससे बात नहीं हो रही है, मौलाना की बात नहीं कहते, नहीं उनका रابطہ नहीं है। सो ऑफ कोर्स दैट रابطہ तो उन्होंने खुद डेवलप करना है अपने सेनेटर से। ये सेनेटर देखें मेंबर्स, अगर मेरा मेरी पार्टी के लीडर से रابطہ अगर नहीं है तो ऑब्वियसली वो या पार्टी लीडर रابطہ कायम करेगा या मैं रابطہ कायम करूंगा। ये तो नहीं है कि इसको, ये तो रंग नहीं दिया जा सकता कि शायद किसी को फोर्स किया जा रहा है या कोएर्स किया जा रहा है। सो वोटिंग के जब वोटिंग के दिनों में एवं बस पार्टी मेंबरान के रابطے जो हैं वो अपनी जमात के लीडरान से मुनकता हो जाया करते हैं, देयर इज नथिंग प्रॉब्लमैटिक इन दिस, राइट? नहीं, इन द पास्ट वी हैव सीन ऑफ कोर्स 64 लोग एक तरफ थे सेनेट में और 16 एक तरफ थे, और फिर किस तरह जो है पीटीआई के लोगों ने 16 की जो उनकी अक्सरियत थी उसको चेयरमैन सेनेट किस तरह उन्होंने बनवा लिया, वो भी हमने देखा। बिल्कुल गलत था, तो क्या उसका एक्शन रिप्ले करेंगे आप लोग? नहीं, कतई नहीं। हम तो देखें इसकी बड़ी क्लीन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और ये आप जो वोट करेगा वो आपके सामने होगा, और किसी को कोई प्रेशराइज नहीं किया जा रहा। ये बड़ा गलत तासुर दिया जा रहा है कि शायद किसी को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो इसके हक में। पीएम साहब को कहें फोन उठा लें और ये जो आपके एएनपी और बाकी लोगों के तहफुजात है फिर इनको दूर कर दें। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे।